अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज इनर स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर स्फेयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर. द आउटर स्फेयर इज अर्थ एंड द इनर स्फेयर इज गिवन चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम. द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 32. फर्स्ट डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. सेकेंड, वॉट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर. थर्ड, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. एक्सप्लेन वाई द लेटर इज मच स्मॉलर. ओके, तो देखो ये अपने पास दो स्फेरिकल शेल है. अंदर वाले शेल का रेडियस दे रखा है, बाहर वाले शेल का रेडियस दे रखा है. अंदर में अपन ने प्लस चार्ज दिया, राइट, तो बाहर अपने का बाहर वाले स्फेयर में माइनस इंड्यूस होगा, राइट, और इसके आउटर स्फेयर के ऊपर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा. आउटर के ऊपर मतलब यहाँ पर प्लस इंड्यूस होगा, लेकिन इसको ग्राउंड कर देंगे तो प्लस चला जाएगा ग्राउंड में, राइट. ओके, अब अपने को फाइंड करना है इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा. यहाँ पर डायलेक्ट्रिक है कांस्टेंट 32 देर का है, लिक्विड है जिसका कांस्टेंट क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 देर का है, और कैपेसिटेंस पूछा है दोनों के बीच में. ओके, तो कैपेसिटेंस ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 29 में देखा था. फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, 4πε0 R1 R2 upon R2 minus R1. वहाँ पे मैंने R1 minus R2 था, लेकिन यहाँ पे अपन ने चेंज कर दिया, इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया. तो फॉर्मूला इस तरह से हो गया. ये होता है जब दोनों के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक ना हो, यानी एयर हो. अब जब डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट. ओके, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 × 3.14 × 8.854 × 10⁻². अब 12 × 13 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर 10⁻²² होता है, −2 −2 −4 हो गया, के कितना है 32 है. ओके, R2 minus R1 यानी 13 − 12 × 10⁻². ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5551 41.55 × 10⁻². तो ये आएगा, और ये आएगा 10⁻², यानी क्या होगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा 5.55 × 10⁻⁹ फेरेड. ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा. ओके, ए पार्ट कंप्लीट है. अब बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर. इनर स्फेयर का पोटेंशियल क्या है, यानी मैं अगर इस स्फेयर को ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो पोटेंशियल एट ए क्या है. तो पोटेंशियल एट ए की बात करते हैं, तो देखो इसका पोटेंशियल तो जीरो है क्योंकि ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड है. तो इसका पोटेंशियल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. कैसे, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, राइट. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ए का पोटेंशियल आएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल तो क्या है, जीरो है. ओके, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन सी है ना, तो क्यू कितना है 2.5 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶, और सी कितना है सी 5.55 × 10⁻⁹. ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4.5 × 10⁻² वोल्ट, राइट. आप ऐसे भी कर सकते हो के क्यू वन क्यू टू और फिर के क्यू बाई आर वन और फिर के क्यू माइनस के क्यू बाई आर टू से भी आंसर निकाल सकते हो, यही आएगा. ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सी पार्ट में क्या पूछा है. सी पार्ट है, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. एक्सप्लेन वाई द लेटर इज मच स्मॉलर. ओके, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर ये जो 12 सेंटीमीटर का आपका स्फेयर है, वही आपका पास चार्ज कितना है 2.5. अब इसके पास में कोई दूसरा सेल नहीं है 2.5 माइक्रोकूलम, और इसका जो नेक्स्ट सेल होगा उसको हम इन्फिनिटी पे कंसिडर करेंगे. कहाँ पे कंसिडर करेंगे, इन्फिनिटी, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, राइट. ओके, अब इसका जो दूसरा सेल है वो इन्फिनिटी पे है, तो अभी इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं C इज इक्वल टू 4πε0 × R, राइट. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो C कितना आ जाएगा, 4 × 3.14 × 8.854 × 10⁻², और R कितना है 12 × 10⁻². ओके, ये आ जाएगा अपने पास कैपेसिटर, कैपेसिटेंस आ जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 1334.47 × 10⁻¹⁴ आएगा, राइट. सॉरी 14 नहीं आएगा, कितना आएगा, हाँ 14 आएगा, राइट. ओके, इसको सोल्व करेंगे दिया जाएगा 1.33 × 10⁻¹⁰ फेरेड. ये आपका कैपेसिटेंस होगा किसका, आइसोलेटेड इस शेल का, ठीक है. अब देखो ये जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो इससे बहुत कम आ रहा है, क्योंकि ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻ है, तो ये छोटा है. अब ये छोटा क्यों है ये अपने को बताना है. तो देखो यहाँ पे
देखते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। यहाँ पे 12 है प्लस क्यू चार्ज है, ये भी 12 प्लस क्यू चार्ज है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा सेल है उसका पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर भी आपका इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। बट डिफरेंस क्या है, जो दूसरा सेल है ये यहाँ पे पास में, इन दोनों के बीच में जो सेल है वो इसके पास में, जो दूसरा सेल है वो पास में, लेकिन इसमें जो दूसरा सेल है वो बहुत दूर है। यानी जो सेकेंड प्लेट है आपका कैपेसिटर का, उसके डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस सेकंड प्लेट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर, राइट। चार्ज और पोटेंशियल पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। जो आपने पैरेलल प्लेट लिया है, सेल लिया है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो जितना डिस्टेंस होगा आपका जो जीरो पोटेंशियल है वो जितना डिस्टेंस पर होगा उतना आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा, राइट। और जितना पास में होगा उतना कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आप अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ोगे बाद में, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, उसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो जितना डी कम होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। देन दो पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसलिए कैपेसिटेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे इनफाइनाइट पे है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए कैपेसिटेंस कम है।